बच्चों अब आते हैं हम सेकंड रूल पे। सेकंड रूल पे आने से पहले ये देखिए स्लाइड में लिखा है, बट देयर आर सम ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। कुछ ट्रांजेक्शंस पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड भी होती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसमें पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस नहीं कवर हुई थी। ठीक है, जो आ रहा है बिजनेस में डेबिट किया, जो जा रहा था बिजनेस से क्रेडिट किया। और एक चीज़ याद रखने वाली क्या थी कि गुड्स नहीं लिखना था, गुड्स की जगह अगर हमने परचेज़ किया तो परचेज, सेल किया तो सेल। तो ये ध्यान रखना था, गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करना था। अब ट्रांजेक्शन्स करेंगे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। तो हमारा जो रूल सेकेंड है वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर एक साथ तो लगेगा नहीं, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती किसी ट्रांजेक्शन में। इसको अब समझिए ज़रा। जैसे लिखा है पेड कैश टू राम, तो इसमें राम रिसीवर है, तो अब समझ रहे हैं कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, रिसीवर और गिवर एक ही ट्रांजेक्शन में नहीं हो सकते। तो ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू राम 10,000, हमने राम को 10,000 कैश दिया, तो रिसीवर कौन है? राम, और कैश जा रहा है हमारा। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये पूरा रूल क्यों नहीं एप्लीकेबल है? बेटा पूरा नहीं एप्लीकेबल होगा, कुछ पोर्शन पिछले वाले का और कुछ पोर्शन इस वाले का। ठीक है, डेबिट साइड अगर पिछले वाले का रूल का होगा तो क्रेडिट इस वाले का, या अगर डेबिट रूल टू का होगा तो क्रेडिट रूल वन का। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट कैश गोज आउट, क्योंकि हमने राम को कैश दिया है, तो राम इज़ द रिसीवर एंड कैश गोज आउट, तो राम डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाते हैं, ठीक है, याद रखना है, नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाना। सोल्ड फर्नीचर टू राम 10,000। बच्चों याद एक और चीज़ रखनी है आपको कि जिस ट्रांजेक्शन में नेम लिखा है उसमें हम उस वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, मीन्स उधार। ठीक है, याद रहेगा आपको कि जिस ट्रांजेक्शन में नेम लिखा है वो उधार ट्रांजेक्शन होती है। तो उधार ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि हमने फर्नीचर राम को सेल किया है, अब इसमें रिसीवर कौन है? राम, और गोज़ आउट क्या है? फर्नीचर। तो एंट्री क्या हो गई? राम डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, राम इज़ द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो क्रेडिट क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर गोज़ आउट है तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 10,000। अब 10,000 रुपीज़ मिले हमें श्याम से, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट कैश आ रहा है और कुछ गोज़ आउट नहीं है, बट जब गोज़ आउट नहीं है तो गिवर देखना पड़ेगा, तो गिवर कौन है? श्याम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब याद करो मैंने बोला था कि जिस ट्रांजेक्शन में नेम लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि वो ट्रांजेक्शन उधार है। तो परचेज कार फ्रॉम श्याम 10,000 लिखा है, मतलब 10,000 की कार आपने श्याम से उधार खरीदी है, तो गिवर तो श्याम है बट कैश नहीं आ रहा इसमें, इसमें आ रही है कार, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कार कम्स इन एंड श्याम इज द गिवर, तो एंट्री हो जाएगी कार अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। बट देयर आर सम एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑल्सो, कुछ एक्सपेंसेस और इनकम भी होते हैं। तो अभी तक हमने रूल वन किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट, फिर दूसरा हमने किया था पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड करेंगे जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। रूल 3, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द गेंस एंड इनकम्स, जो भी लॉसेज या एक्सपेंसेस होंगे उन्हें डेबिट करेंगे और जो भी इनकम्स होंगी उनको क्रेडिट करेंगे, इसको नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। जैसे पेड रेंट ₹5,000 टू लैंडलॉर्ड। अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है कि एक्सपेंसेस और इनकम के केसेस में नेम जो मेंशन हो रखे होते हैं उनको हमें नहीं शो करना होता है, उनको नहीं लिखना होता है। अगर आपने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया है 5,000 या लैंडलॉर्ड का नेम भी लिखा है तो हमें नेम नहीं लिखना है। बच्चों का माइंड करता है डेबिट द रिसीवर, बट डेबिट द रिसीवर नहीं, बिकॉज ये रेंट है, एक्सपेंस है बिजनेस का, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड नहीं लिखना या लैंडलॉर्ड का नेम भी गिवन है तो भी नहीं लिखना, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम राम, अब 8000 मिला है राम से कमीशन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। अब फिर दिमाग कहता है कि क्रेडिट गिवर राम गिवर है तो राम को क्रेडिट करो, बट मैंने बोला इनकम और एक्सपेंस के केस में नेम नहीं लिखते, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट लिखेंगे बिकॉज कमीशन इज आर इनकम। रूल कहता है हमारा कि क्रेडिट ऑल द गेन्स या इनकम्स, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाता हूँ।